देंगे। हफीज भी शाहिद अफरीदी के साथ मिलकर खिलाड़ियों की ओर इशारा कर रहे हैं कि वो अपनी सही जगह पर पहुंचे, निर्धारित जगह पर पहुंचे, थोड़ा सा बायां थोड़ा सा दायां। अब सब संतुष्ट हैं, जीतने के लिए भारत को 119 रन बनाने हैं। स्लिप्स में एक खिलाड़ी है, पॉइंट थोड़ा सा शॉर्टेज है, दायरे के बिल्कुल बीच की स्थिति में, विकेट और दायरे के बीच की स्थिति में। उसके अलावा उनकी बाई तरफ भी एक खिलाड़ी मौजूद है, वो जो खेल करते हुए उन्होंने बनाए 26 रन बनाए शुएब मलिक ने। बहुत खतरनाक लग रहे थे कि अचानक एक पुल स्ट्रोक को मिसटाइम किया, गेंद ऊपर ऊपरी किनारा लेती हुई अश्विन की दिशा में गई, जो कि लॉन्ग लेग और फाइन लेग के बीच के क्षेत्र में फील्डिंग कर रहे थे। वो उन्होंने 26 रन बनाए मलिक ने। अगली गेंद, और इस बार बाएं हाथ के बैट्समैन को चकमा देती हुई ये गेंद, एक लेंथ डिलीवरी ऑफ स्टंप के बाद फ्रंट फुट पर शिखर धवन को बीट करती हुई विकेट कीपर के ग्लव्स में ओवर पूरा हो गया। कहते हैं उपभोक्ता अदालत जाओ, पर कैसे जाएं ये कोई नहीं बताता। हम बताते हैं, यदि आप धोखाधड़ी, ठगी या बेईमानी के शिकार हैं, तो आप अपनी शिकायत एक सादे कागज पर लिखकर उपभोक्ता अदालत में दे सकते हैं। इसमें अपना नाम, पता, उत्पाद या सेवा का विवरण, असुविधा, कमी की जानकारी, विरोधी पक्ष का नाम, पता और कैश मेमो, गारंटी या वारंटी कार्ड या अनुबंध की फोटोकॉपी साथ लगाएं। ध्यान रहे कि ये शिकायत 2 वर्ष की अवधि के भीतर ही दर्ज होनी चाहिए। समझ गए ना? उपभोक्ता अदालत जाने का रास्ता आसान है, न्याय पाने का रास्ता। तो उम्मीद के विपरीत आमिर ने पहले ओवर में उनकी इन कटर या इन स्विंगर नहीं दिखाई और ना ही ऑफ कटर का इस्तेमाल किया, ज्यादातर स्टॉक बॉल ही करते हुए नजर आए। 5 भारतीय खिलाड़ियों को एक एक विकेट मिला, नेहरा, बुमराह, जडेजा, रैना, पंड्या, मोहम्मद इरफान 7 फुट 1 इंच के कद वाले, उनकी वही ओवर द विकेट स्ट्रोक बॉल, बैक फुट पे जबरदस्त स्ट्रोक, डीप बैकफुट पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन। ये BSNL चौका, कनेक्टिंग इंडिया। भारतीय पारी का पहला चौका इरफान की ये गेंद थी और जस्ट बैक ऑफ द लेंथ आप उसको कह सकते हैं। शुरुआत में ये समझा जा सकता है कुछ मोमेंट कुछ पिच से कुछ हवा में है या नहीं, और उस दोनों तरीके के मोमेंट ऑफ द पिच और हवा में उसको तलाशते हुए आप लेंथ डिलीवरी शुरुआत में कर सकते हैं। हालांकि T20 में ये गेंदें चलती नहीं, महंगी साबित होती हैं, लेकिन ये शुरुआती क्षण है भारतीय पारी के। और इस बार राउंड विकेट आते हुए कोण बदलते हुए अपना पूरी तरह से और वो क्रीज के बिल्कुल कोने पे जाकर उन्होंने गेंद की, लेकिन इतनी दिशाहीन हो गई कि अंपायर को बाध्य होना पड़ा कि हाथ उठाकर वाइड करार दें। जल्दी जल्दी विकेट खोए पाकिस्तान ने। 8वें ओवर में जो पहला विकेट गिरा था 38 के स्कोर पर, जब शार्दुल आउट हुए थे और हमेशा की तरह वो पुल करने के प्रयास में मिड ऑन पर कैच आउट हुए, ठीक से टाइम नहीं कर पाए थे अपने स्ट्रोक को। लंबे ऊंचे कद के इरफान बॉलिंग करेंगे, शर्मा, रोहित शर्मा 5 सामना करेंगे अगली गेंद का। और ऑफ स्टंप की बाहर की इस गेंद को पढ़ लिया था, अपने स्टंप्स को कवर किया, बैट को ऊपर उठाया, शोल्डर्स जिसको कहते हैं शोल्डर्स के ऊपर उठा दिया और जाने दिया उसको विकेट कीपर के ग्लव्स में। तो भारत के सामने जीतने का लक्ष्य है 119 रन का, और कोई बहुत ज़्यादा पिच से मदद नहीं दर्शा रही है। ये जो मैदान है यहाँ पर, इस पे कोई समझ में नहीं आ रहा ये पिच है, कि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के प्रमुख हैं आजकल वो। अगली गेंद को ड्राइव किया, लेकिन अहमद शहजाद की खूबसूरत फील्डिंग दायरे के अंदर। ये थी डॉक्टर फिक्सिट लीक प्रूफ फील्डिंग, डॉक्टर फिक्सिट द वाटर प्रूफिंग एक्सपर्ट। शर्मा जब खेलते हैं तो उनके स्ट्रोक्स में इतने कि अगर आप पूर्वानुमान लगाकर डाइव नहीं करें तो आपसे वो गेंद रुकेगी नहीं।
टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत जरूरी होती है, बहुत अहमियत रखती है क्रिकेट में, चाहे वो फील्डिंग ही क्यों ना हो। डॉक्टर टिपनेस, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक फील्डिंग देयर ऑन दैट ओकेजन एज हियर इज द टोल इरफान इनटू रोहित शर्मा वंस अगेन टेकन बाय सरप्राइज एज द बॉल बाउंस एंड स्टॉप्ड एंड शर्मा इन फैक्ट प्लेड दैट एरियल शॉट बट फॉर्चुनेटली फॉर हिम द बॉल ड्रॉपिंग इन फ्रंट ऑफ द फील्डर। इंडिया रिक्वायरिंग 119 on 9 विदाउट लॉस इन ओवर नंबर 2। हैवी बॉल करने की क्षमता रखते हैं मोहम्मद इरफान और स्प्लाइस से जाके टकराई बैट के, हैंडल जहां बैट से जुड़ता है वहां पर गई। संभल कर खेलना है भारत, अगर शुरू में विकेट नहीं देता है तो फिर इस मैच को बचाने में कोई दिक्कत, जीतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान बचाना चाहेगा लेकिन उनको जल्दी विकेट चाहिए, शुरुआत में ही विकेट चाहिए। क्रीज के कोने से लगातार राउंड द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं, एक पैर हवा में झूलता हुआ, दूसरे पे संतुलन बनाते हुए स्क्वायर लेग क्षेत्र में खेल दिया है 4 रन। ये BSNL चौका कनेक्टिंग इंडिया। कितना समय होता है रोहित शर्मा को अपने स्ट्रोक्स को खेलने में, उनको कितना सहूलियत और कितना सहजता और सरलता से वो उस स्ट्रोक को खेल पाए। पॉपिंग क्रीज में बिल्कुल सीध में खड़े हुए थे, ऊपर उछले, एक पैर हवा में झूल गया लेकिन मोड़ दिया गेंद को स्क्वायर लेग क्षेत्र में 4 रनों के लिए। यस एब्सोल्युटली समथिंग लाइक एन नटराजा शॉट दैट कपिल देव यूज्ड टू प्ले शॉट इन लेंथ, कांट रियली अफोर्ड टू बॉल दिस काइंड ऑफ अ लेंथ हियर ऑन दिस ट्रैक एज हियर इज मोहम्मद इरफान बॉलिंग लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट आउटसाइड द लेग स्टंप टू रोहित शर्मा। रोहित शर्मा कम्स फॉरवर्ड क्लोजिंग द फेस ऑफ द बैट विद द रोल ऑफ द रिस्ट, फ्लिक्स इट अवे डाउन टू फाइन लेग, ही'ल पिक अप अ सिंगल एंड इंडिया गो अप टू 14 फॉर नो विकेट, कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 2। So 2 overs gone, 14 without loss is the Indian total, and the bulk of the scoring has been done by Rohit Sharma, who is not out on 10 with the help of 2 fours, says our scorer Om Prakash Sharma, who in the company of H. Gopal Krishna, they have been providing us with all the details that really, in fact, statistics that we have been passing on to the listeners. Phenolics Vibes. बदले सपने बदले बदले चाहे सारा वहां कितनी वफा से हाथ निभाए फिनोलेक्स पाइप हमारा फिनोलेक्स पाइप हमारा फिनोलेक्स पाइप्स Here is the first ball of a fresh over from Amir into Sharma. Sharma is lofted him hard and high. The fielder is getting underneath. Malik and is gone. Caught by Malik and India have lost their first wicket of Sharma for 10. So Sharma gone and Vinit, it was very difficult to understand why Sharma wanted to play that kind of a shot. I'm sure he'll have to answer a few questions when he goes back to the dressing room because he was batting beautifully and then all of a sudden had a brain freeze, tried to loft the ball over the infield. The ball gained air rather than distance and in fact there were 3 fielders converging, but the senior campaigner Malik got underneath and then against run of play, India then have lost the wicket of Rohit Sharma, caught by Malik of the bowling of Mohammad Amir for 10. रोहित शर्मा जब फील्डिंग कर रहे थे तो उन्होंने खुद महसूस किया होगा कि इस पिच पर ये स्ट्रोक्स नहीं खेले जा सकते हैं, गेंद बैट पर आ नहीं रही है, आप थ्रू द लाइन नहीं खेल सकते हैं, और जिस तरह से ये स्ट्रोक उन्होंने खेलना चाहा था, गेंद बहुत ज़्यादा ऊपर हवा में उड़ गई, सामने उसको बैट को घुमाना चाहते थे, घुमाने का अवसर भी उनको पूरी तरह से नहीं मिला था। तो संभल कर खेलना है, कोई बहुत बड़ा भारी लक्ष्य भारत के सामने नहीं है, ज़रूरत केवल इस बात की है कि संभाल कर अपने स्ट्रोक्स को देखभाल कर खेलें, इतना जोखिम उठाने की ज़रूरत नहीं है, गेंद को हवा के रास्ते खेलने की ज़रूरत इस समय नहीं है। लेकिन वो ऐसा कर नहीं सके, अचानक एकाग्रता भंग हुई, एक ऐसा स्ट्रोक खेल बैठे जो इस पिच पे खेलना नहीं जाना चाहिए, खासकर इतनी जल्दी अपनी पारी में, जबकि भारत के सामने कोई बहुत बड़ा भारी लक्ष्य नहीं है, विराट कोहली खेलने के लिए आए। Here is the next one outside the line of the leg stump and that's been tucked away down to fine leg and the batsman will in fact get a couple of runs. Total for India going up to 16 for one, the man out Rohit Sharma in that last over, the last ball from Mohammad Irfan. It is so India then at the moment need 119 then to win this match, and should they go on to get those runs, it will be the yet another victory in ICC. When the next ball strikes him on the pads, but clearly going over the top of the stump, Shikhar Dhawan on that occasion in a bit of a quandary there, getting that ball to come back from outside the off stump was the tall
the tall bowler, but the ball striking him on the pads. But Vinit will agree, what a waste of a wicket of Rohit Sharma. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मिलिंद आप, क्योंकि जरूरत नहीं थी उस स्ट्रोक की. बैट का चेहरा बंद करने का प्रयास जब उनका था तो लीडिंग एज लेकर गई और इसका नतीजा ये हुआ कि आमिर को विकेट मिल गया और वो ये टॉनिक का काम करेगा. हालांकि इसमें सारी गलती बैट्समैन की, आमिर की कोई तारीफ की बात नहीं थी. Here is the next ball from Mohammad Amir. He's bowling left arm from over the wicket. That's a slower ball outside the off stump to Shikhar Dhawan, and Shikhar Dhawan goes forward. He's not out in one of five. Kohli has yet to face a ball. And how do you make your first 1 crore? See, there are multiple ways of making money. Gone are those days that you can just be in a job and keep doing what you've been doing repeatedly again and again and again. First way is, if you have a product worth 100 rupees, you sell it to 1 lakh people, you make 1 crore. Or product worth 1,000 rupees, you sell it to 1 crore. Or a product worth 10,000 rupees, you sell it to only 1,000 people and you still make 1 crore. Or a product worth 1 lakh rupees and you sell it to only 100 people to make 1 crore. Now there are other ways as well. A product worth 10 lakh rupees, you need only 10 clients. Or one product worth 1 crore, you make 1 crore. There are multiple ways, but you know what? If you're in a job, when would you make 1 crore? On an average,